आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसमें सर्जरी कैसे पीछे रह सकती है? क्या आपने रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुना है? जी हाँ, रोबोटिक सर्जरी। वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपी द्वारा रोबोटिक सर्जरी की कैसे की जाती है, ये सर्जरी किन्हें करवानी चाहिए। अगर आप रोबोटिक सर्जरी द्वारा होने वाली कोई भी सर्जरी के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और देश के जाने माने रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आरके मिश्रा से भी बात कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रोबोटिक सर्जरी, जिसे रोबोट असिस्टेंट सर्जरी भी कहा जाता है, डॉक्टरों को पारंपरिक तकनीकों की तुलना में अधिक सटीक, लचीलेपन और नियंत्रण के साथ कई प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसेस को इजी करने में हेल्प करता है। रोबोटिक सर्जरी आमतौर पर मिनिमल इनवेसिव सर्जरी से जुड़ी होती है, जो कि छोटे चीरों के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया होती है। सबसे ज्यादा रूप से इस्तेमाल की जाने वाली क्लिनिकल रोबोटिक सर्जिकल प्रोसेस में एक कैमरा आर्म और मैकेनिकल आर्म्स शामिल होती हैं, जिसमें सर्जिकल उपकरण लगे होते हैं। ऑपरेटिंग टेबल के पास कंप्यूटर कंसोल पर बैठे हुए सर्जन रोबोटिक आर्म को नियंत्रित करते हैं और कंसोल सर्जन को सर्जरी साइट का एक हाई डेफिनेशन मैग्नीफाइड 3D दृश्य देता है। रोबोटिक सर्जरी के कई बेनिफिशियल हैं, जैसे फीवर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के चांसेस बेहद कम होते हैं, लेस पेन एंड ब्लड लॉस, स्मॉलर लेस नोटिसेबल स्कार्स आफ्टर सर्जरी। यह प्रक्रिया पेशेंट के लिए बेहद आसान होती है और इसका रिकवरी टाइम भी बहुत कम होता है। रोबोटिक सर्जरी प्रोसेस, गायनोलॉजी रिलेटेड सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, कोलोरेक्टल सर्जरी, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी और भी अन्य सर्जरीज में हेल्पफुल है। रोबोटिक सर्जरी से जुड़ा यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से इसके बारे में बात भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।